सर आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश प्री वेटनरी एंड फिशरी टेस्ट के बारे में। ये जो एग्ज़ाम है कंडक्ट कराया जाता है मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंटरेस्टेड है वेटनरी या फिर फिशरी फील्ड में जाने के लिए। तो वेटनरी जो डॉक्टर होते हैं वो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके हम बात करेंगे कट ऑफ और सीट्स के बारे में, ये कितनी कट ऑफ है और कितनी सीट है इसकी ऑल ओवर मध्य प्रदेश में। तो यार इस वीडियो को लास्ट तक देखना तो आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं आपसे डायरेक्टली बात करके आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को डायरेक्टली। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये PDF है जो ऑफिशियली रिलीज़ करा गया है और व्यापम की तरफ से रिलीज़ करा गया है। और इसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 211 सीट है। तो 211 सीट के लिए करीबन 25,000 बच्चे अप्लाई करते हैं जिसमें से एग्ज़ाम देने आते हैं 18 से 19,000 बच्चे। तो आपका जो कॉम्पिटिशन है वो बेसिकली 18 से 19,000 बच्चों से है जो कि एग्ज़ाम देने आएंगे और उनमें से जो सीरियस स्टूडेंट होंगे वो करीबन 5,000 होंगे। तो यार मैं आपको बता दूं कि 5,000 में से आपको 200 बच्चों के अंदर आना है। तो अगर आपकी जो तैयारी अच्छी नहीं हुई तो फिर आपका किसी भी तरह से इसमें सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको अच्छी खासी तैयारी करना होगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 कॉलेजेस है, जबलपुर, रीवा और मऊ। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाता है वो जाता है जबलपुर कॉलेज के लिए, फिर जाता है मऊ कॉलेज के लिए और फिर जाता है रीवा कॉलेज के लिए। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जबलपुर कॉलेज में यूनिवर्सिटी है और रीवा का जो कॉलेज है वो अभी नया नया बना है और मऊ का कॉलेज एक डिसेंट कॉलेज है और एक अच्छा कॉलेज में इसे गिना जाता है मऊ के कॉलेज को। तो मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो इस तरह की जबलपुर, फिर मऊ, फिर रीवा। तो आपको इस तरह से जो है अपना प्लान करना है, अपना प्लानिंग करना है। अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको किस तरह से कट ऑफ आपका फिल करना है, आपको वहाँ पर मिलता है कि किस तरह से आपको कॉलेज की चॉइस करना है। तो अगर आपके नंबर कम है तो आप रीवा को जो है थोड़ा ऊपर रखिएगा अपने कट ऑफ में और अपनी जो चॉइस फिलिंग है उसमें, ताकि आपको जो है मिलने के ज़्यादा चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। अगर आपने जबलपुर को फर्स्ट नंबर पर रख दिया अगर चॉइस फिलिंग में तो आपके जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे अगर आपका नंबर कम है तो। अब मैं आपको कट ऑफ की बात बता दूं तो कट ऑफ इसमें हर साल वेरिएबल होता है। मैं आपको बता दूं कि 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है कट ऑफ किस तरह से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 फैक्टर कौन कौन से हैं। तो यार चलिए बात करते हैं 3 फैक्टर के बारे में। तो 3 जो फैक्टर है वो है टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स और जो दूसरी बात है वो है डिफ़िकल्टी ऑफ पेपर। तो यार लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो डिफ़िकल्टी ऑफ पेपर बहुत ज़्यादा था, इसलिए जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। क्योंकि अगर डिफ़िकल्ट पेपर आएगा तो ज़्यादातर बच्चे उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो जो कट ऑफ है वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली यही बात है कि लास्ट ईयर भी यही हमें देखने मिला था। क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा कम था, मतलब 71 नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हो रहा था अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो। तो यार इतना कम कट ऑफ देखने को नहीं मिलता है वेटनरी में, पर क्योंकि जो है अच्छा खासा टफ पेपर आया था तो इतना नंबर लाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इससे लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो उस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ था, 78 से लेकर 79 नंबर तक भी आपका कट ऑफ जा रहा था जनरल वालों के लिए, क्योंकि उस टाइम जो पेपर काफ़ी ज़्यादा सिंपल आया था। तो यार इस तरह से हर साल कुछ ना कुछ जो है कट ऑफ चेंज होते रहते हैं। और मैंने कट ऑफ से रिलेटेड एक अलग ही वीडियो बना रखा है जो कि आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जो कि मैंने वेटनरी के कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो बना रखा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कट ऑफ है ये आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है। जनरल वालों के जनरली जो कट ऑफ है वो 71 अगर जैसे जनरल वालों के लिए, तो यार OBC वालों के लिए जो कट ऑफ होगा वो 69 से 68 और SC ST वालों के लिए इनिशियली और कम होते जाता है। जैसे कि रिजर्वेशन बढ़ता है तो कट ऑफ भी कम होता जाता है। तो यार यही जो बेसिकली जो सिंपल सी बात है कि अगर आपका जो है कैटेगरी SC ST है तो आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब मैं आपको बताऊं तो एटलीस्ट 65 से आपको उसको 65 के ऊपर आपको स्कोर करना चाहिए अगर आपको लास्ट राउंड तक अगर आपको सीट चाहिए तो। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट चाहिए तो आपको एटलीस्ट 75 के ऊपर स्कोर करना चाहिए। तो यार 75 मैं बोलूँगा कि एक सेफ स्कोर है, आपका इतने पे एडमिशन हो सकता है भले से पेपर का लेवल कुछ भी रहे। तो यार आपको गोल करना चाहिए कि आप 75 से 80 मार्क्स का आप स्कोर करें जब जो है आपका सिलेक्शन होगा MPPVNFT कोर्स में और MPPVNFT एग्ज़ाम है। तो यार यही थी एक छोटी सी वीडियो। मैं आपको बता दूं कि यार आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं काफ़ी ज़्यादा डाउट सॉल्व करता हूँ बच्चों के। और मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी अभी वेटनरी कर रहा हूँ तो मैं आपको पूरा गाइड कर सकता हूँ किस तरह से आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो फीस है, फ़ीस कितनी लगती है 5 सालों में, कई लोग को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि सर फीस कितनी है। तो यार फीस का ऐसा है कि फीस जो है काफ़ी ज़्यादा कम है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है। कि इस तरह से जो फीस का डिस्ट्रीब्यूशन है 40 से 50,000 रुपये में आपको पूरा साल का फीस लगता है। और काफ़ी ज़्यादा अगर आप कंपेयर करें प्राइवेट कॉलेज से तो प्राइवेट कॉलेज में 4 से 5 लाख रुपये आपको लगता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फीस है वेटनरी करने के लिए, पर हमारे मध्य प्रदेश स्टेट में अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम फीस ली जा रही है। तो यार ये अच्छी बात है हमारे लिए, एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। और मैं आपको कहूँगा कि अगर आपकी जो एग्ज़ाम है
वो बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं होगी, क्योंकि इस लेवल की एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने का कोई भी अभी प्लान नहीं है, और बच्चों की तरफ से भी किसी भी तरह का कोई भी निवेदन नहीं करा गया कि इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करें। तो इससे हमें यही शो होता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगी और सिचुएशन कंट्रोल में है और बिल्कुल आपकी एग्ज़ाम होगी। और चॉइस फिलिंग के बाद जितने भी चीज़ें होगी वो आपको मैं पूरा इस वीडियो पे और इस चैनल पे डालूंगा, हर एक चीज़ चॉइस फिलिंग कैसे करना है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, पूरा आपको बताऊंगा डिटेल में आपको काउंसलिंग कैसे करना है। तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले MPPV NFT से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।